ये हम अभी हैं राम जानकी मार्ग पे, गोला और गोपालपुर रोड के बीच में ये जगह है। यहाँ पे देखिए गांव डूब चुके हैं, यहाँ पे पानी का लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है और देखिए रोड कच कर गया है। पानी जो पानी है बाढ़ का वो रोड क्रॉस नहीं कर पाया है अभी। बाकी ये घर देख सकते हैं, इन घरों में कैसे पानी घुस गया है और इस घर को खाली करा दिया गया है। ये घर बिल्कुल खाली करा दिए गए हैं, यहाँ पे कोई है नहीं अभी इस टाइम पे। देख सकते हैं बिल्कुल रोड से सटे हुए घर हैं ये सारे, राम जानकी मार्ग पे गोला और गोपालपुर रोड के बीच में है ये एरिया। तो ये सारा सब कुछ भर चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। सारी फसल बर्बाद, सारे घरों में पानी और रोड की दूसरी साइड भी वही हाल है। बीच में बस रोड पे पानी बचा है, पानी सेफ पानी नहीं आया हुआ है, बाकी हर जगह वही दिक्कत है। बारिश का पानी लोग टहलते हुए आ रहे हैं और इतना इधर देख सकते हैं आप सब कुछ डूबा हुआ है। दिखाता हूँ थोड़ा बाइक से रोक के उतर के दिखाता हूँ क्या नज़ारा है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये गेट बाबा विश्वेश्वर नाथ द्वार, ये मेन रास्ता है गांव का, यहीं से फोर व्हीलर जाती थी। ये पूरा डूब चुका है, ये पूरा जलमग्न हो चुका है। रोड की दूसरी साइड भी देख सकते हैं आप, रोड की दूसरी साइड भी वही हाल है और इस साइड भी वही हाल है, सारा पानी भरा हुआ है। ये वही जगह है, मेन रोड है जो गोला और गोपालपुर मार्केट को जोड़ता है। देखिए यार रोड पे भी पानी आ चुका है, थोड़ा सा लेवल कम हुआ है इधर, लेकिन अभी भी रोड पे पानी है। लोग आ जा रहे हैं, देखिए कितनी दिक्कत है। ये जो सामने आपको घर दिख रहे हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट हो चुके हैं, घरों में पानी चला गया है इनके। ये नज़ारा है यहाँ का, ये देख सकते हैं कितना सारा पानी डूबा हुआ है, भरा हुआ है। नाव का सहारा लेके बाहर निकल रहे हैं घरों से अपने। देखिए नाव दिख रही होगी आपको, यहाँ पे नाव जा रही है, राशन पहुँचाया जा रहा है लोगों को, नाव के थ्रू राशन जा रहा है। जो लोग भी अगल बगल के वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखिए ये लोग राशन पहुँचा रहे हैं, ये लोग बर्गर भर के लेके हैं। राशन बांट रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोग, जिनके घर खाने पीने को नहीं है इनको राशन दिया जा रहा है। ये देखिए हाँ, ये लोग देखिए हाथों में इनके राशन है और ये लोग देखिए वो भाई साहब एक अंदर इस तरीके से जा रहे हैं राशन में। और दूसरी साइड भी आप देख सकते हैं, दूसरी साइड भी वही हाल है, दूसरी साइड में पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये हम रोड पे हैं, रोड काफी ऊंचा है, यहाँ पे भी पानी टच कर गया है। यहाँ पे सब कोई खाने पीने को परेशान है, देखिए सारा गांव डूब चुका है पूरी तरीके से। सेम रोड के दूसरी तरह ये रोड हर ऊंचाई काफ़ी अच्छी है, लेकिन अंदर तक पानी, यहाँ भी अंदर तक पानी गया हुआ है घरों में, सिर्फ रोड रोड बच रहा है। साइड देख सकते हैं कितना बड़ा गांव है, लेकिन चारों तरफ से यहाँ जाने के लिए रास्ता नहीं है, ये गिर चुका है पूरे पानी से, नाव से रहा।
पहुंचाया जा रहा है। जो लोग अगल बगल गांव के लोग वो सपोर्ट कर रहे हैं इनको। और सामने एक पेट्रोल पंप है इसी रोड पे, मैं वो भी दिखाता हूँ उसका क्या हालात है, क्योंकि वो भी पेट्रोल पंप भी पूरी तरीके से ठप पड़ा हुआ है, पूरी तरीके से डूबा हुआ है। साइड भी यही हाल है सब कुछ। ये देखिए ये पेट्रोल पंप है भोला गोपालपुर के बीच में, भारत पेट्रोलियम है ये, इसका काम पूरी तरीके से ठप है क्योंकि यहाँ पूरा पानी भर चुका है। और ये पता नहीं कब तक हटेगा, जब तक हटेगा नहीं जब तक ये ओपन होने का कोई चांस ही नहीं है। ये है पूरा नज़ारा आपका, साइड का भी है। यहाँ भी सब डूबा पड़ा है, सारी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, धान की फसल कहीं दिख ही नहीं रही है। इधर जब से मैं शूट कर रहा हूँ धान की फसल कहीं दिख ही नहीं मुझे रास्ते में, सब कुछ डूब चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से। ये मैं हूँ राम जानकी मार्ग पे, जो गोपालपुर और गोला के बीच में जो स्पेस है यहीं पे हूँ। ये राम जानकी मार्ग आया हुआ है, ये वहीं का नज़ारा है आप देख सकते हैं। सारे घरों के आगे पानी लगा हुआ है, पूरे गांव से रोड छोड़ के बाकी सारा आपको पानी ही पानी दिखेगा।